नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने में जुटी हैं। तो वहीं इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत को लेकर आशा जताई है। उनको भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता उनको एक बार फिर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर भी मायावती ने जमकर हमला बोला। तो चलिए जानते हैं कि मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा है। 1947 में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार और वंश तक सीमित थी। बीएसपी बातें बहुत कम, कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखते हैं। झंडा हाथ निशान, बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथ निशान। ये कमल का फूल नहीं है, ये झूठ का फूल है, झूठों का फूल है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत को लेकर आशान्वित है। उनको भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता उनको पांचवी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मीडिया को संबोधित करते हुए ही भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपने करीब 5 वर्षों के शासन काल में 50% वादों को भी पूरा नहीं किया है। ये तो प्रदेश की जनता के साथ छलावा है। मायावती ने कहा कि भाजपा का गरीबों को फ्री राशन सिर्फ चुनावी एजेंडा है, चुनाव के बाद ये योजना बंद हो जाएगी। मायावती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी भी इन दिनों जनता को लुभाने का नाटक कर रही है। उन्होंने कहा कि हमको भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के झांसे में नहीं आएगी। हमें तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कथनी तथा करनी में कोई अंतर नजर नहीं आता। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये दोनों दल सिर्फ चुनाव को हिंदू मुस्लिम का मामला बनाकर जीतना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा, जैसा कि हमें 2007 में मिला था। मायावती ने कहा कि बसपा वादों पर नहीं, काम करके दिखाने पर यकीन करती है। 4 बार की सत्ता इसकी गवाह है। बसपा प्रमुख ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार से जनता परेशान है। जिस तरह डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे महंगाई भी काफी बढ़ी है, जनता उससे त्रस्त है और ये सब आसानी से भुलाने वाला नहीं है। भाजपा ने चुनाव में हार के डर से कीमतों को कम किया है और चुनाव के बाद जनता से ब्याज सहित वसूल कर लेंगे। उन्होंने कहा, अयोध्या और जिन्ना के बहाने भाजपा और सपा साठ गांठ करके बयानबाजी कर रहे हैं। स्वार्थ की राजनीति के लिए दोनों दल स्वार्थ वाली राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में बने रहने के लिए हथकंडा अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 300 और सपा ने 400 सीटें जीतने का ऐलान किया है, तब तो चुनाव आयोग को यहां 1000 सीटों पर चुनाव कराना चाहिए। मायावती ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेट्रो और कई योजनाएं उनके कार्यकाल में ही पूरी हो जाती यदि केंद्र की कांग्रेस सरकार ने रोड़ा ना अटकाया होता। मायावती ने कहा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, भाजपा और अन्य प्रतिद्वंदी दलों ने राज्य के लोगों को लुभाने का नाटक शुरू कर दिया है।
सच तो ये है कि केंद्र और राज्य सरकार की भाजपा सरकार की परियोजनाओं की घोषणा और पिछले 1.5-2 महीने में अधूरे कार्यों का उद्घाटन चुनाव तक जारी रहेगा। अगर कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों का 50% भी पूरा किया होता तो वो केंद्र, यूपी और देश के अधिकांश राज्यों में सत्ता से बाहर नहीं होती। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अपने हर फैसले पर अटल है और हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। हम तो समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाने के लिए समझौता कर रहे हैं और हमारा किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने का इरादा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताना चाहती हूं कि यदि उनका अपना परिवार नहीं है तो मेरा भी परिवार पार्टी और सर्व समाज है। फर्क ये है कि उन्होंने दिखावे के लिए सन्यासी का चोला पहन लिया है। योगी सन्यासी का चोला पहनकर एक धर्म के लोगों का काम करते हैं और उनका मूल परिवार RSS है, जबकि मेरा मूल परिवार सभी धर्मों और सभी वर्गों के लोग हैं और मैं सभी की निस्वार्थ सेवा करती रही हूं। मायावती ने उत्तराधिकारी के सवाल पर कहा कि उनका स्वास्थ्य अभी ठीक है, समय आने पर उत्तराधिकारी तय करूंगी। ये भी कहा कि बसपा यूपी विधानसभा चुनाव में किसी दल से समझौता नहीं करेगी। बसपा से जो नेता निकाले गए हैं, यदि वो बड़े नेता होते तो निकालते ही क्यों। उन्होंने ये भी कहा कि बसपा से सिर्फ नेता अकेला जाता है, कार्यकर्ता पार्टी के साथ है। कांग्रेस के 40% टिकट महिलाओं को देने के सवाल पर मायावती ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में रहते महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण तो दे नहीं पाई। यहाँ टिकट बांटने की वजह कुछ और है। कांग्रेस अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में वादा क्यों नहीं कर रही। उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ी होने का भी आरोप लगाया। खैर, देखना यह है कि मायावती का दोबारा CM बनना संभव है या नहीं। आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद ही इस बात का खुलासा होगा। 1947 में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार और वंश तक सीमित थी। DSP बातें बहुत कम, कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखते। झंडा हाथ निशान, DSP की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ निशान। ये कमल का फूल नहीं है, ये झूठ का फूल है, झूठों का फूल है। तो आपने जाना कि मायावती ने कैसे, चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो, दोनों पर जमकर निशाना साधा और ये भी आशा जताई कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना देखना चाहती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप खबरों के लिए बने रहिए प्राइम TV के साथ।